उसने राजतंत्र से पंगा लेना शुरू किया। अगले दिन एक पंडित जी निकले, पंडित जी ने छोटी घड़ी का रखी त्रिपुट लगा रखा, गले में रुद्राक्ष की माला भगवा वस्त्र पहने खड़ा हुआ। पूरा गेटअप देखा तो तोते को हंसी आ गई। पंडित जी बोले ना क्यों हंस रहा है, बोले यार तू बेवकूफ लग रहा है। पंडित जी ने सोचा तोते का मूड खराब होगा, बेचारे निकल गए। अगले दिन पंडित जी फिर निकले, तोते ने कहा तू बेवकूफ लग रहा है। और पंडित जी ने रसिक गुप्ता जी से शिकायत की, बोले रसिक जी आप इतने बड़े आदमी हो, इतने पढ़े लिखे हो, देश विदेश में जाते हो, टेलीविजन पर आते हो, आपने ये कैसा तोता पाल रखा है, ये राजतंत्र को गालियां दे रहा है, मोहल्ले का माहौल खराब कर रहा है। इन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। इन्होंने तोते को बोला अगर तेरे कल से किसी को गाली दी तो तेरी गर्दन में रोक दूंगा। अब अगले दिन का सीन है साहब, तोता लटका हुआ है, पंडित जी निकले, तोता चुप रहा है। पंडित जी चार कदम जाके मुड़े, तोता फिर भी चुप रहा है। पंडित जी आठ कदम जाके मुड़े, तोता फिर भी चुप रहा। पंडित जी नुक्कड़ पे जाके खड़े हो गए। तोता बोला देख यार समझ तो तू गए। तो ये मामला समझदारी का है। चाय वाले ने भगवा कुर्ते वाले एक भाई साहब के ऊपर चाय गिरा दी, तो कुर्ते का रंग और गिरी, चाय बोल भी नहीं सकते कुछ। ये विचारधारा की समस्याएं हो जाती है। लेकिन मैं फिर बुलाने लगा, अच्छा बढ़िया हो गया, हमें पता है भाई साहब हम रह नहीं सकते, हमें हर तरीके का कई बार ये रस्से हमें चलाते सर पे हमारी जैसे पैसा निकालने के लिए। बोले इस देश में टैक्स का एक रुपया जमा होता है, उसमें से आपसी पैसे अग्रवाल समाज के होते हैं। मेरे को बावला मत बना, इस देश में जो एक रुपया टैक्स का जमा नहीं होता उन्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं है। सराब साहब ये हम ऐसे बावला बना बना के ऐसे पानी पे कर करके हमसे पैसे ले जाते हैं। लेकिन मैं कहूँ आपके अग्रवाल समाज के लेते हैं, और सिर्फ हमारा ऐसा समाज है कि हम खुद पर ठहाके भी बर्दाश्त करते हैं, हम पूरी दुनिया के गम में रोना भी जानते हैं और पूरी दुनिया के साथ हंसना भी जानते हैं। अगर हम लोगों ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, सदाब साहब पत्र के साथ बता, हमने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, हमने बहुत धन अर्जित किया, लेकिन क्यों किया? एक घटना इतिहास की बताता हूँ, अग्र से इनका वंशज होने का फक्र हो जाए तो ये सदन बताए कि किस सभागार में बैठे हैं। हम लोगों ने बहुत पैसा इकट्ठा किया, पाई पाई जोड़ी, लेकिन क्यों इकट्ठा किया? कि जब किसी महाराणा प्रताप के पास उसको आवश्यकता हो अपना पुरुष दिखाने की, तो हम अपनी पाई पाई लुटा कर वो पैसा समाज के काम में। जोड़ना गलत बात नहीं है साहब, उसे कहां खर्च किया जा रहा है इसका